तो बच्चों आज हम इस वाले वीडियो में देखते हैं ए एस ए सर्वांगसम नियम। इससे पिछली वाले वीडियो में हमने एस ए एस सर्वांगसम नियम को पढ़ लिया था। देखते हैं अब ये नियम क्या होता है। देखना जैसा कि उस नियम में हम पढ़ा था दो भुजा और एक कोण था, इस नियम में देखने वाले हैं दो कोण और एक भुजा, मतलब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि उनके दो कोई अंतः कोण और एक भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, तो वो त्रिभुज आपस में कैसे होते हैं, सर्वांगसम। तो देखिए दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा के क्या हो, बराबर हो। जैसे कि बात करें हम, कुछ इस तरीके का फिगर बनेगा, ये दो त्रिभुज है, समझना ये दो त्रिभुज है, यदि इनकी दो कोण आपस में, ये दो कोण और एक भुजा बराबर हुई, तो ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे इस नियम के अकॉर्डिंग, सर्वांगसम होंगे। तो देखना इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, एक क्वेश्चन है, रेखाखंड ए बी एक अन्य रेखाखंड सी डी के समांतर है और ओ रेखाखंड ए डी का मध्य बिंदु है, दर्शाइए कि त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम त्रिभुज डी ओ सी, साथ ही सेकंड ओ रेखाखंड बी सी का भी मध्य बिंदु है। देखना तो हम बात करते हैं इसके लिए, देखते हैं सॉल्यूशन की बात करें। देखना हमें जो दिया हुआ है, सबसे पहले वो लिख देते हैं, हमने दिया है कि जो ए बी है ना वो समांतर है सी डी के, और साथ में ये भी दिया है कि ओ बिंदु है ए डी का मध्य बिंदु, तो ओ ए डी का मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु है तो बताइए वो आपस में बराबर होंगे, AO बराबर क्या होगा OD। अब देखना मैं चित्र से ही एक चीज और बता रहा हूं आपको, हम त्रिभुज में तुलना कर लेते हैं AOB और त्रिभुज COD में, चेक करते हैं कि देखना इसमें एक ये कोण बन रहा है और एक ये कोण बन रहा है। देखना कौन सा कोण कह सकते हैं हम इसको, एंगल ABO और एंगल डी सी ओ, देखना कौन सा कोण है, ये कौन से कोण है, यदि दो समांतर रेखा हो और एक तिर्यक रेखा उसको काटती है तो वो कोण हमारे होते हैं एकांतर कोण। कौन से कोण ये, एकांतर कोण क्यों है, क्योंकि ए बी समांतर है सी डी के और बी सी क्या है, बी सी तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा उसको काट रही है तो एकांतर कोण का निर्माण कर रही है। साथ में जब ये दोनों रेखा है तो यहां पर भी कोण बन रहा है, ये कौन सा कोण है हम बता सकते हैं, बीच में पहले भुजा ले लेते हैं, AO बराबर OD जो कि हमें दिया है, क्या दिया है कि OAD का मध्य बिंदु है, राइट। उसके बाद थोड़ा सा स्लाइड को ऊपर कर लेते हैं, देखना उसके बाद में बात करते हैं हम एंगल AOB बराबर होंगे एंगल COD, कौन सा एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ये शीर्षाभिमुख कोण है। अब देखिए ASA नियम से, ऐसे नियम से देखो दो कोण और एक भुजा बराबर है तो कौन सा नियम लेगा, ASA नियम से दोनों त्रिभुज क्या होंगे आपस में, AOB और यहां डायरेक्ट सर्वांगसम लगा देते हैं, सर्वांगसम होंगे त्रिभुज COD। अब मैं आपको बताता हूं यदि कभी भी दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं ना तो उनकी संगत भुजाएं आपस में बराबर होती है, उसका एक रूल भी होता है वो देख लेते हैं, उसको कहते हैं सीपीसीटी रूल, क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, मतलब सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भाग आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, उनके संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम इसके अकॉर्डिंग बोल सकते हैं कि संगत कोण व भुजा कैसी होती है उनकी, बराबर होती है। तो हम वहां लिखते हैं नेक्स्ट, हमने फर्स्ट को तो प्रूफ कर दिया, सेकंड की बात करते हैं तो स्लाइड को कुछ ऊपर कर लेते हैं, देखना
हम लिख सकते हैं सीपीसीटी द्वारा इनके इनके संगत कोण व भुजा बराबर होगी। तब देखना कि क्या क्या बराबर हो जाएगा, बीओ बराबर ओसी होगा। जब बीओ बराबर ओसी बन जाएगा, देखना चित्र को फिर से देख लेते हैं, जब ये आपस सॉरी जब ये आपस में बराबर होंगे तो ये ओ बिंदु बी सी के कैसा होगा, बीच में होगा। और यही हमें बताना था कि ओ रेखाखंड बी सी का मध्य बिंदु है, तो हम बता सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, हम इसके अकॉर्डिंग बता सकते हैं, अर्थात ओ बिंदु बी सी का भी मध्य बिंदु होगा। ओके, आपको आसानी से ये समझ में आया होगा।